हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक इंसान जॉबर्स में। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे दिनों में जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जो जॉब की वैकेंसी थंबनेल देखेंगे तो समझ ही में आ गया किस वैकेंसी पर बात करने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो वैकेंसी के लिए बात करने वाला हूँ, ऑपरेटर्स की बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो ऑपरेटर्स की वैकेंसीज है वो जेसीबी ऑपरेटर की है, ठीक है, बोब के ऑपरेटर की है, कैड है, एक्सक्यूटर है, ठीक है, हेवी ड्राइवर, इस तरह के लोग चाहिए। उसके बाद आपका जाके कार एसी टेक्नीशियन, ठीक है, कार एसी टेक्नीशियन चाहिए। उसके बाद आपका जाके ऑटो इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ऑटो मैकेनिक चाहिए, पेट्रोल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक नहीं, पेट्रोल मैकेनिक चाहिए, ठीक है, हेल्पर भी है तो चलेगा। जो भी स्किल्ड वर्कर है, जो भी काम जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सेटरिंग का हो गया, कारपेंटर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, हेल्पर हो गया, ये सब, ठीक है। हेल्पर की जो सैलरी है वो आपका जाके 1000 से लेके 1200 तक सैलरी मिलेगी, प्लस ओवर टाइम में एकोमोडेशन देंगे, फूड नहीं है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रीशियन हो गया, सटरिंग कारपेंटर हो गया, मैसन हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, इन लोगों की सैलरी 1200 से 1400, 1400 से 1600 तक, यानी कि 1200 से 1300 से लेके आपका 1600 तक सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, एकोमोडेशन देंगे आपको, ठीक है, फूड नहीं है। और वीकली जो छुट्टी होती है वो छुट्टी होगी, बाकी जो भी है 2 साल का वीज़ा मिलेगा सबको दुबई के लिए। और उसके बाद आपका जाके ये विजिट एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, विजिट एम्प्लॉयमेंट होगी। तो इसके लिए सीधा आपको क्या करना है कि भैया एक नॉर्मल मेडिकल करा लीजिए, या जिस मेडिकल भी करा सकते हैं, जिसका करा जाए तो रखे हुए तो कोई बात नहीं। नॉर्मल मेडिकल इसलिए कराने बोल रहे हैं कि अगर फ्री मेडिकल जिसको बोलते हैं उसमें आपको पैसे कम खर्च होंगे और आपका बॉडी का पूरा चेकअप भी हो जाएगा कि आपका इसमें फॉल्ट है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ आप जाने के बाद मेडिकल करा के फेल हो जाता है तो आपका यहाँ का लगा हुआ पैसा पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, चाहे मुझे जो भी देखते जाए, जो भी मेरे थ्रू से काम करा रहे, सर्विस ले रहे, उनका पैसा ज़ाया हो जाए, ठीक है दोस्त। तो आप लोग जो भी इस तरह के, और मुझे जो मैसन कारपेंटर, स्टील फिक्सर, पाइप फिटर, हेल्प, ये सब जितने कैटेगरी हैं सबके लिए हेल्पर चाहिए, ठीक है। और जिसमें स्किल्ड है सबके लिए, सबका लिए जो काम है बता दिया आपको, 1200 से 1400 1600 तक का सैलरी, ठीक है, 8 घंटे का प्लस ओवर टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपको एकोमोडेशन देगी आप कंपनी, फूड आपका खुद का रहेगा, और आपका जाके हेल्पर का जो 1000 से सैलरी स्टार्ट होगा, 1000, 1200, 1300 इस तरह का सैलरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाके फूड नहीं मिलेगी, एकोमोडेशन मिलेगा, जो बाकी जो कानून है यूएई का उसके हिसाब से, लेबर लॉ जो है उसके हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये चीज़ पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दिया। ये विजिट एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, विजिट एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको वीज़ा के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वीज़ा का जो अप्लाई करेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, तो उससे पहले आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, नॉर्मल मेडिकल के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स का हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, क्योंकि हम आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, या फेसबुक पे भी देख रहे हैं, देखने के बाद आपको मालूम नहीं बंदा कहाँ से है, वीडियो डाल रहा है, कहाँ से ये कर रहा है। तो मेरा एक पर्टिकुलर ऑफिस है भाई, जहाँ पे आप वहाँ जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत से लोग चाहिए, हमेशा चाहिए, रेगुलर चाहिए, ठीक है। तो जो भी कभी भी आएगा कोई कमी नहीं है काम की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस तरह से हमें आपके सामने रखे हैं कि हम आपका हर काम मोस्ट पॉसिबल जो हमसे है कर सकेंगे, ठीक है, तो मसला नहीं है। तो और जो भी बंदे हैं जाना चाहते हैं दुबई, अगर अलग अलग काम है जो हमारे अभी रिसेंट वैकेंसी नहीं है लेकिन जाना चाहते हैं, हमारे पैकिंग में चल रही है, पैकिंग में जाएं, पैकिंग हेल्पर की है, ठीक है। पैकिंग सैलरी जो है थोड़ी कम है, काम हल्का है, 1200 तक का सैलरी है, 1200 से सैलरी है, समझिए 8-12 घंटे का काम है, फूड नहीं है, आपको रहने की जगह देगी कंपनी और 2 साल का वीज़ा देगी कंपनी, ठीक है। तो ये सब है, और उसके सेल्समैन में भी चल रहा है, तो रेस्टोरेंट्स में भी है, चेफ है, कुक है, ये सब की वैकेंसी भी चल रही है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं आए, कुक जो हैं उनकी सैलरी 1600, 1800, 2000 दिरहम तक सैलरी होती है, ठीक है। जो वेटर्स वगैरह हैं 1200, 1400 के अंदर होती है उनकी सैलरी। उसके बाद जो हेल्पर वगैरह हैं उनकी 1000, 1200, जो फूड डिपार्टमेंट में होगी, जैसे ये सब में होंगे तो उनको खाना भी मिलता है, ठीक है। कोई कोई ऐसी जो बड़ी होती है जहाँ पे खाना, जब तक आप काम करेंगे तभी तक आपको खाना मिलेगा, यानी कि आपका शिफ्ट सुबह में है तो आपका सुबह का नाश्ता नहीं है, दोपहर का खाना है, फिर रात में आप जब काम ख़त्म करके आ जाते हैं, ओवर नाइट नहीं होता है,
तो आपको खाना नहीं मिलता है, तो इस तरह का है। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, दुबई में एक मिजाज में रख लीजिए कि दुबई में आपको मैक्सिमम खाना आपका खुद का होता है, ठीक है। बहुत सी कंपनियाँ देती हैं, बहुत सी कंपनियाँ जहाँ देती हैं वहाँ सैलरी कम होती है और भी कम होती है। तो दोस्तों जो लोग भी सब जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर खुर्शीद को कॉल करें। कॉल करने के बाद अपना सीवी भेजें, मेडिकल नॉर्मल करा चुके हैं तो नॉर्मल मेडिकल भेजें। मैं तो बोलता हूँ कि सीधा ऑफिस आ जाइए। ऑफिस से हम देखिए, एक बात और बताता हूँ मैं कि हर आदमी बोलता है कि मैं बॉम्बे से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, तो हर जगह पे उनके घर घर के बगल में ऑफिस नहीं खुल सकते। ऑफिस खोलने का एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हमारा बेस है, जहाँ पे हम जानते हैं कि हम यहाँ पे रहने से हमारे जितने भी करीब के लोग हैं हमारे पास आएंगे। मेरा जो वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि इंडिया का नंबर दूसरा या तीसरा स्टेट है जो पॉपुलेशन में बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे अपना बेस बनाया है, ठीक है, कि वहाँ पे हमारे जितने भी जो अगल बगल में जितने भी नियर बाई के हैं उन लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, यानी कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई इस तरफ नहीं जाना पड़े, उनका काम नज़दीक से हो जाए। तो जो लोग मुझे नज़दीक से देखने वाले हैं, देख रहे हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है उस पर खुशी से कॉन्टेक्ट करें, ऑफिस में विजिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो भी जॉब के लिए जाना चाहते हैं अप्लाई करें, ठीक है। अभी तक जो भी चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और बेल आइकन को दबा लीजिए इसलिए क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हो सकता है कि मुझे बोलना नहीं बोलना अच्छा आता है या नहीं आता, वो मसला नहीं रखता है, मसला ये है कि आपका काम हम करके देते हैं कि नहीं, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया है जो मुझे इतना साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन मैं तरक्की करते जा रहा हूँ, नीचे नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ही जाते जा रहा हूँ। आप लोगों का दुआ है, मेरे अम्मी अब्बू की दुआ है, मेरे दोस्तों भाइयों का सपोर्ट है कि आज मैं इस तरह से ये दिन पे दिन ऊपर ही जाते जा रहा हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि मैं जितना ऊपर जाऊँ तो मेरे साथ जो है मैं उनको भी ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है। तो चलिए, बात तो होती रहेगी, वीडियो तो लंबा हो गया, तो चलिए दुआ में याद रखिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने अपने परिवार अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नए वगैरह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।